सर जो हम अभी पिछले कुछ दिनों में रिव्यू गीता की हमने ये कर रहे हैं, इन्हें सीधे एक बात हो रही है ब्रह्म की, और एक ऐसी चीज़ को मन समझने की कोशिश कर रहा है जो उसकी ग्रास्प में कभी आ नहीं सकता। और मैं भी देख रहा था मेरा इसकी तरफ एक अट्रैक्शन ज़्यादा था, वो ईगो की वजह से था कि ये अल्टीमेट चीज़ हो रही है और वो मैं एक्चुअली समझ सकता नहीं हूँ, यानी कि इसे मन से ग्रास्प करने वाली चीज हो नहीं सकती। अभी जो हम बातें करते ये टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है जितना हम अभी तक करते आए हैं, तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा पढ़ता हूँ तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं तर जाऊँगा या तो मैं पागल हो जाऊँगा क्योंकि मैं समझ सकता नहीं उसे। उस पर तुम किसको कहते हो समझना, समझने की क्या परिभाषा है? समझने की परिभाषा यानी कि भाई शांत हो जाऊँ। तो शांत होना और समझना एक ही है ना? एक ही है ना? और शांत होने के अलावा और समझना कुछ है नहीं, ठीक। उसमें ये सब कहाँ से आ गया कि लेवल ऊपर है कि नीचे है और ये सारी बातें? शांत हो रहे हो कि नहीं, बस ये देखो। असल में कह तो रहे हो कि समझने का अर्थ होता है शांत हो जाना, पर ये मानते नहीं हो। हमारे लिए समझने का आम तौर पे अर्थ ये होता है कि हमने जो पढ़ा उसको हमने अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं फिट कर दिया, 2.5 इंच के कटोरे में उसके लिए भी जगह बना दी। इसको तुम कहते हो कि मैंने समझ लिया। हमारी समझने की जो परिभाषा है उसको देखो ध्यान से। आप तब कहते हो मुझे कुछ समझ में आया जब आपका जो पूरा पहले से चला आ रहा ढांचा है उसमें वो नई बात भी किसी तरीके से बैठ जाए, इसे आप समझना बोलते हैं। और इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? कुछ समझा आपने? अगर पुराने पैटर्न में ही नई बात को भी बिठा दिया तो समझा क्या है? जब भी कुछ वास्तव में नया मिलेगा तो तुम अतीत से उसका वैलिडेशन नहीं कर पाओगे, और तुम्हारी आदत यह है कि जब भी कुछ नया सामने आता है तो तुम उसकी जांच पड़ताल के लिए अतीत को खड़ा कर देते हो। कोई नई बात कही गई तुमसे या कुछ भी कहा गया, अब तुम्हें परखना है उसे, तो परखने का तुम्हारे पास एक ही यंत्र है, स्मृति। देखो कि पहले कुछ ऐसा हुआ है, और अगर पहले कुछ ऐसा था तो बात क्या थी और उसके परिणाम क्या थे, और उसी आधार पे अभी भी निर्णय कर लो। बात क्या है, उसमें कितना वजन है, उसकी में कितना सत्य है और क्या कीमत है, ये जानने के लिए तुम्हारे पास दूसरा उपकरण है नहीं। उस दूसरे उपकरण का नाम होता है बोध, दूसरे उपकरण का नाम होता है सरलता। कि अगर पढ़ा तो सरल होकर के देख लिया, उसमें इधर उधर की बातें जोड़ने की जरूरत क्या है? तुम कह रहे हो कि पढ़ूंगा तो पागल हो जाऊंगा और क्या हो जाऊंगा, कौन सा शब्द है तुम्हें पागल कर रहा है? कोई शब्द ऐसा नहीं है तुम्हें पागल कर रहा हो, तुम्हें पागल ये बात कर रही है कि अतीत से तुम इसका कोई रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे और तुम्हें अतीत को बचाना है। सत्य सामने खड़ा है, अतीत से वो जुड़ नहीं पा रहा। अब तुम्हारे सामने दुविधा ये है कि सत्य को स्वीकारूं या अतीत की रक्षा करूं, क्योंकि सत्य को स्वीकारोगे तो दिखाई देगा कि अतीत फालतू है। अतीत फालतू है तो तुम्हें लगता है तुम भी फालतू हो गए,
को सत्य को स्वीकारने से अच्छा है कि यही कह दो कि ये कुछ बड़ी अजीब सी बात है, बड़े ऊंचे तल की बात है, बड़े हाई लेवल की बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही। जो वक्तव्य जितना ज्यादा सत्य की गोद से उभरा होगा वो उतना सरल होगा। तुम्हारा ये कहना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा धोखा है। दर्शन शास्त्र में होते हैं जटिल वक्तव्य, अध्यात्म में बहुत सरल बातें कही जाती हैं, बहुत सरल बातें कही जाती हैं। एक श्लोक में एक बात उठी थी कि अगर आप कहते हैं कि ये भी दावा करते हैं कि भ्रम नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें कि जो ये डाउट कर रहा है या जो ये दावा कर रहा है कोई तो है, तो वो कौन है? मतलब इसका मतलब ये है कि आप हर चीज़ को नकार और नकली नहीं कह सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो इस सबको नकली कह रहा है। मेरे दिमाग में ये जो बात आई कि ये चीज़ एज अ कंसेप्ट गई है कि आपको समझ में आ गया कि कोई ना कोई तो है, क्या अगर मैं ये भी ध्यान रखता हूँ अपने पास, क्या ये मेरी ईगो की चाल है कि मैं उसको एक कंसेप्ट में या फिर अपने 2.5 इंच के कटोरे में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ? कौन है जो मना कर रहा है? तुम्हें ये सोचना पड़ता है कि कोई तो है। कोई तो है सोचने से पहले तुमने ये भी तो सोच रखा होता है ना कि कुछ नहीं है, तो मना कर रहे हो ब्रह्म के लिए सब है। तो कोई तो है जो एक्टिव बैठा हुआ है, जो एक्टिव बैठा हुआ है ना, वो इसको नकार रहा है, उसको काट रहा है, कह रहा है ब्रह्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 70 बातें चल रही है ना उसकी, वो तो है ही है। उसी को कहा जाता है कि ब्रह्म है, जो पहले ही मौन में है उसको ये कहने की कोई जरूरत नहीं कि ब्रह्म है कि आत्मा है कि क्या है। उसको तुम ये सब बोलोगे तो व्यर्थ ही तुम उसको विक्षेप दे रहे हो। जो पहले ही मौन में है उसे क्यों ये सब बोला जाए?